लो। अरे रुका, ये रहता है। अरे भाई गुड। चलो अब आप लोग खुलोगे शाम में। सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज भाई एक बहुत बड़ी दोस्तों, पहले अजान देने का लग, खैर दोस्तों आज बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि मुझे ना 2 से 3 दिन बाद पता चली है। 2 से 3 में नहीं बल्कि 4 से 5 दिन बाद पता चली है। और खुशखबरी जो है वो हमारी जो ये बर्ड सवारी हमने जो बनाई है, इससे उसका दोस्तों लगता है ताल्लुक, इससे उसका लगता है दोस्तों ताल्लुक। तो मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ। वो खुशखबरी जो है दोस्तों वो ये है, हमारे पास जो पहले के बजेस पड़े थे जितने दो, जो एक ही जोड़ा था और बाकी दो उसके बच्चे थे, तो वो जो जोड़ा है दोस्तों उस जोड़े ने फिर से अंडे दे दिए हैं। और मेरी नज़र आज पड़ी है उस पर, क्योंकि 2-3 दिन से आप देख रहे थे, कल जो है कज़न की डेथ में चला गया था मैं और मैंने इनको चेक भी नहीं करा किसी को। तो आज सुबह जब मैंने चेक करा तो दोस्तों मैंने ये देखा कि यार ये अंदर जा रही है बाहर आ रही है अंदर, फिर जब मैंने कोने से देखा तो अंडे पड़े हुए। मैंने बोला वाह, मुझे ऐसी खुशी हुई। खैर दोस्तों मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ इसके अंडे। और अभी शायद मादा, हाँ वो देखें बाहर बैठी हुई है सामने, इसी के अंडे हैं ये, इस वाली के। मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ, चले देखते हैं कि इसके कितने अंडे हैं, मैंने भी नहीं देखे। बहुत छोटा लगाया हुआ है यार, बहुत छोटा ही लगाया हुआ है, ये तो बंदे भी नहीं सही से। खैर चलें दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसके अंडे। खैर अंडे दिखाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों सबसे, जो जो मेरे इस चैनल पे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से जाओ और इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चलें दोस्तों जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और हम चलते हैं अंडे देखने। तो बड़ी एहतियात से मुझे दिखाने पड़ेंगे दोस्तों, मैंने भी नहीं देखे कल से। ये देखें दोस्तों वो बैठी हुई मादा, मुझे देखें आप लाइट येलो में जो है वो है मादा, उसी के अंडे हैं। अब मैं बहुत देख के ले जाऊंगा कैमरे को क्योंकि ये उड़ेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे अंडे, ये इतने दोस्तों मेरे को गिनने में तो नहीं दिख रहे, 1 2 3 4 5 6 अंडे निकाल लेते हैं हम। तो भाई इनके वो अंडे हैं, 6 अंडे हैं पूरे के पूरे, मैंने गिने नहीं थे, मुझे भी सही से वाजे नहीं हो रहे थे, कैमरे में मैंने देखा ये वीडियो में तो वाजे हुए कि हाँ 6 अंडे दिए हैं। यार बड़ी खुशी हो रही है, जल्दी से ये बच्चे निकाल दें और अंडों को प्रॉपर टाइम देगी ना दोस्तों ये, तो जल्द अज जल्द निकाल लेगी। मैंने बोला आप लोगों को भी दिखाऊँ कि कितने अंडे हैं और कैसे पड़े हैं कहाँ पर हैं। तो माशाल्लाह से हमारी बर्ड सवारी का जो सेटअप है उसके अंदर बजिस ने तो अंडे दे दिए, कर दिए हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का बहुत बहुत। अब मुझे जो वेट है दोस्तों वो अपने बाकी जितने भी जोड़े हैं, लुटीने हो गए हमारे, कॉकटेल हो गए हमारे, और ये जो हगोरोमो है वो हो गए हमारे, इन सारों के अंडों की मेरी है बस इनकी ब्रीडिंग की वो है कि जल्द से जल्द ये भी ब्रीडिंग करें। मुझे आज यही एक बहुत ज़बरदस्त खुशी मिली है। खैर चले दोस्तों अब चलते हैं हम छत पर, क्योंकि बत्तखें जो हैं वो हैं खुली हुई और मुझे बड़ी डांट पिट रही है। किस चीज़ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, छत पर चल के चलें, पहले जल्दी से छत पर चलें। चलो भाई, एक तो खुंडी लगी रहती है, कहाँ हो? ओहो दोस्तों हमारी छत पे जंगली कबूतरों ने भी उतरना शुरू कर दिया है, तमाम सेटअप को देख के। क्या है, क्या भागते हुए आ रही हो? क्या कुछ भी नहीं है मेरे पास यार। देखें दोस्तों हमने पूरा सेटअप साफ करा था क्लीन, इन्होंने फिर से गंदगी शुरू कर दी है। और इसी वजह से मुझे बाबा भाई सब बोल रहे थे कि इनको यार खाना पीना दे के नहला वहला के तुम थोड़ी देर ऊपर बैठ के और इनको बंद कर कर आना लाजमी। अभी मुझे डांट पड़ी है कि उन्हें बंद कर कर आओ जल्दी वरना वो पूरी छत गंदी कर देंगे। खैर चलें मैं इनको बंद करने आया तो इन्हें पहले बंद कर दूँ। चलो हाँ हाँ अंदर अंदर, हाँ गुड। चलो अब आप लोग खुलोगे शाम में। शाम होने में ज़्यादा दिन नहीं है दोस्तों, अभी 4 बजने के लगभग टाइम होने वाला है, तो तकरीबन मैं इनको 5:30 तक आके खोल दूंगा, नहला धुला के खिला पिला के इनको बंद कर दूंगा। वैसे नहा वाली है, देखें पूरा पानी इन्होंने ख़त्म कर दिया है और तकरीबन दाना भी पूरा ही खा गए। चलो भाई बंद कर दिया, यार इनकी रस्सी कहाँ है? ये रही, अभी फ़िलहाल ये डाल देता हूँ मैं। ये देखें कल यहाँ पे कैसा साफ़ सुथरा हो रहा था और आज फिर गंदा हो गया। खैर दोस्तों मुर्गी हो कबूतर हो कुछ भी हो, गंदगी तो होगी और साफ़ तो करनी पड़ेगी लाजमी, ये नहीं है कि गंदगी नहीं होगी। जानवर पाला है तो उसका गंद भी साफ़ करना पड़ता है। Thank you.
तो पी लिया पानी, अब बंद हो गए तुम लोग भी। चलो अंदर। हाँ अंदर यार, ये बड़ा तंग करती है मुझे दोनों। अंदर ही रहना, उसको लाऊंगा तो ये निकल जाएगी। अंदर जाओ, एक जगह बोला है, हर मरतबा पिदाती रहोगी। ये भी माशाल्लाह से हमारी काफी बड़ी हो गई है। तो दोस्तों इन्हें तो कर दिया है बंद, इनको अब हम शाम में खोलेंगे। भाई आप सारों से ना हम शाम में मिलेंगे, आपसे भी, आपसे सारों के सारों से, ठीक है। और दोस्तों एक चीज और, ये देखें हमारा जो पिंजरा था, तो हमारे पास ये कवर पड़ा हुआ था कार का, तो हमने बोला यार इसके अंदर कोई चीज़ लाके डाले भी तो ये ना हो कि बारिश वारिश हो, कोई आंधी वांधी आए तो वो परेशान हो। तो उसके ऊपर ही कवर हमने कवर कर दिया, ये देखें कवर को ही कवर कर दिया पूरा, ये देखें पूरे का पूरा अंदर से, ताकि वो चीज़ परेशान भी ना हो और सुकून में रहे। बाकी आज अख्तर भाई जो हैं उन्होंने खोले हुए हैं हमारे हीरा, वो देखें वो रहे नहा रहे हैं अपनी तीनों बीवियों के साथ आराम से बैठे हुए। बाकी दोस्तों एक पिंजरा हमारा वहाँ पे भी रखा हुआ था, वो कहाँ है तो वो ये रहा टूटा फूटा, इसको हम फेंक देंगे। इसको अभी फ़िलहाल मैंने इसलिए रख दिया था क्योंकि काफ़ी हमें कभी कभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी जाली की तो कभी लकड़ी की, तो काम आ जाती है बाद में, वो मिलती नहीं है। तो इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम आ सकती हैं, लकड़ी और जाली वगैरह। और जगह भी हमारे पास अभी ये जगह ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने बोला इसको यहाँ रख देते हैं साफ़ सुथरा करके, ताकि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो इसमें से हम निकाल के लगा सकें किसी और चीज़ में। बाकी दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हुई है, हमारे जो बजेज हैं उनके अंडों की, यकीन जाने अब हमारे पास काले खान के अंडे रखे हुए हैं और इनके अंडे बच्चे आएंगे, देखते हैं पहले किन निकलते हैं, इनके या उनके। चलें चलो भाई नीचे आ गए, ये रख देता हूँ यहाँ पे। बत्तखों का पानी मैं इन्हीं केनों में ले जाता हूँ अभी फ़िलहाल। ऊपर जो है दोस्तों वो पानी का सिस्टम जो है वो नल हमारा गीज़र की तरफ आ रहा है, तो वो थोड़ा सा ना निकला हुआ है बाहर, वो गीज़र को ख़राब कर देता पूरा, तो इस वजह से हमने वो लाइन अभी बंद करी हुई, और नल बड़ा करा के फिर उधर पानी का सिस्टम कर देंगे जब सेटअप ऊपर बनेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं ये केन ले जाता हूँ और इससे उनको पानी देता हूँ, ताकि वो सुकून से पी पा के आराम से फारिग हो जाते हैं। ये लो ये लो, अभी उठा, अड़े डालने तो दो, पहले ही छीन रहे हो। ये लो, अड़े रुका, ये रहता है, अड़े भाई छीने जा रहे हैं दोनों, खा लो बस सुकून से। अच्छा इसकी आदत है नर की, जो हमारा जो छोटा नर है जो है उसकी आदत है, वो इसके अंदर ही रखकर खाएगा और वो जो है वो अलग से ले आके खाता है, क्योंकि ये जो है ना ये हमारा नर इसको खाने नहीं देता बेचारी को, वो बेचारी यहाँ वहाँ घूम घूम के भागती रहती है इसके चक्कर में, ये मारता है उसको, मारता ही है उसको। हाँ भाई हमारी जो गोल्डन फिंच है दोस्तों, उससे मैं हर बार शर्मिंदा होता रहता हूँ, उनका मेल आके ही नहीं दे रहा, आके ही नहीं दे रहा, और काफ़ी टाइम से मेल ढूंढ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ इससे। सॉरी भाई तुम्हारे से, तुम्हारे को जल्दी मेल ला के दे देंगे। अड़े अड़े इतना घबराओ मत, रहो रो 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 सुकून से रहो। बाकी दोस्तों हमारे जो बजेज हैं उनकी खुशखबरी आप लोगों को कैसी लगी वो देखें दोस्तों, जाके बैठ गई है मादा अंदर अंडों पे, ये देखें बाहर आ गई, ये है मादा जिसके अंडे हैं वो देखें अंदर जाके बैठ गई है ये प्रॉपर वे में, और माशाल्लाह से पूरे 6 अंडे हैं, और मैंने आप लोगों को दिखा भी दिए, बहुत खुशी हो रही है अंदर ही अंदर मुझे कि जल्द से जल्द इनके बच्चे आएंगे। देखते हैं दोस्तों कि इनके बच्चे कब निकलते हैं, ये क्या पता काला खान के तो खैर 21 दिन में निकलेंगे, तो हमने डेट मारी हुई निशान, बाकी इसके देखते हैं इसके कब तक निकलते हैं। खैर तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, तो अगर आप लोग आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।